फ्रेंड्स, मैं सुनीता अग्रवाल, मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही ज्यादा टेस्टी माता के भोग के लिए अष्टमी नवमी पे बनाए जाने वाला चने हलवा बनाना बताती हूँ, कैसे बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले चने बना लेते हैं। चने बनाने के लिए ये हमने एक कप चने लिए, जिसे दो से तीन बार अच्छे से पानी से धो लिया। धोने के बाद ओवरनाइट पानी में भिंगो दिया, जिससे कि ये चने फूल जाए। अब ये चने फूल गए हैं, देखिए हम इसे तोड़ रहे हैं तो ये टूट रहे हैं। बस हमें इसी टाइप के फूले हुए चने चाहिए। अब हम चनों के लिए मसाला बना लेते हैं। मसाले में 2 टीस्पून धनिया पाउडर लेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। ये मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती हैं, मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून चना मसाला, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा और चने खाने में भी टेस्टी लगेंगे। अब इस मसाले में हम 1/2 कप पानी डाल देते हैं। अब हम पानी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जब हम इस तरीके से मसाले को पानी में मिला करके बनाते हैं तो चने बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं और मसाला जलता भी नहीं है। अब ये मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इस मसाले को हम फूलने के लिए साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले चने को बॉईल करेंगे। उसके लिए हमने गैस पे कुकर रख दिया है। जो हमने चने लिए थे वो हम इस कुकर में डाल देते हैं। चनों के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो हमने निकाल दिया है। अब इसमें 1 कप पानी डाल देते हैं। अब चने में 1/2 चम्मच नमक डाल देते और नमक को मिक्स कर देते। अब हम कुकर को बंद कर देते हैं और फुल फ्लेम पे 2 विसिल ले लेते हैं। और 2 विसिल आने के बाद इसे हम 5 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे, जिससे कि चने अच्छे से बॉईल हो जाए। जब तक चने बॉईल हो रहे हैं हम हलवा बना लेते हैं। हलवा बनाने के लिए 1/2 कप हमने सूजी ली है। ये सूजी हमने थोड़ी सी मोटी वाली ली है। अब सूजी को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। ये 1/2 कप देसी घी लिया है, इसे भी डाल देते हैं और इसमें से हम थोड़ा सा घी बचा लेते हैं। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। अब सूजी को लगातार चलाते हुए स्लो मीडियम फ्लेम पे हल्के गोल्डन कलर का होने तक भून लेते हैं। हलवे को आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा भी भून सकते हैं, लेकिन हलवा थोड़ा सा हल्के कलर का ही अच्छा लगता है। हम सूजी को जितने अच्छे से भूनेंगे हलवा उतने ही ज्यादा टेस्टी बन के तैयार होगा। ये सूजी जैसे जैसे भुनने लगेगी घी छोड़ने लगेगी। मैं आपको बिल्कुल उसी तरीके से हलवा बनाना बताऊंगी जैसे कि भंडारे में हलवाई बनाते हैं। हमने 100 ग्राम सूजी ली है और 100 ग्राम ही हमने घी लिया है। आप देख पा रहे हैं सूजी हल्की हल्की भुनना शुरू हो गई है और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है और हल्के गोल्डन कलर की हो गई है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए और लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। बस फ्लेम का हमें ध्यान रखना है कि स्लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे भूनना है। 5 मिनट करीब हो गए, अब ये सूजी भी भुन गई है। सूजी का कलर हल्के ब्राउन कलर का हो गया है और सूजी ने घी भी छोड़ दिया है और इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हम इस हलवे को बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बना रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि हलवाई जब हलवा बनाते हैं तो एकदम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम इसके अंदर 2 कप बिल्कुल गर्म पानी डालेंगे। ये हमने पानी को गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी को मिक्स कर देते हैं। जब हम इस तरीके से गर्म पानी सूजी के अंदर डालते हैं तो सूजी का एक एक दाना फूल जाता है और हलवा बहुत ही ज्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बन के तैयार होता है। हमें इस हलवे को स्लो फ्लेम पे ही पकाना है। आप देख पा रहे हैं हलवा गाढ़ा हो गया है और सूजी भी देखिए फूल गई है। अब हम इसके अंदर 1/2 कप से थोड़ी सी ज्यादा चीनी डालेंगे, यानी 75 ग्राम। हलवाई भी इतनी ही चीनी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इतनी चीनी इस हलवे के लिए बिल्कुल सही है। चीनी को मिक्स कर देते। आप इस हलवे को अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा गाढ़ा या पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये हलवा थोड़ा सा पतला ही बनाया जाता है क्योंकि ये ठंडा होने के बाद गाढ़ा हो जाता है। अब हम हलवे में ड्राई फ्रूट डाल देते। ड्राई फ्रूट में ये हमने काजू और किशमिश लिए क्योंकि हलवाई काजू किशमिश ही डालते हैं। ये हमने 2-2 टेबल स्पून के बराबर लिए।
ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं, या आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है वो भी डाल सकते हैं। अब इस हलवे में खुशबू अच्छी आए और हलवा खाने में टेस्टी लगे उसके लिए ये हमने 4 से 5 छोटी इलायची लिए, वो हमने पीस लिए, वो डाल देते हैं। इलायची को मिक्स कर देते हैं। अब जो घी बचा था उसे भी हम इसी के अंदर डाल देते हैं। अगर आपको कम घी पसंद है तो आप इस घी को बचा सकते हैं, लेकिन हलवे में थोड़ा सा ज्यादा ही घी पड़ता है तभी हलवा खाने में टेस्टी लगता है। अब ये हलवा बनके तैयार हो गया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देते और चनों को देख लेते हैं। अब ये कुकर भी ठंडा हो गया है। अब हम चनों को चेक कर लेते, इसमें से हम एक चना ले लेते। देखिए हम चने को दबा रहे हैं तो ये इजीली दब रहा है, बस हमें इसी टाइप के बॉइल चने चाहिए। चलिए चने बना लेते हैं। चने बनाने के लिए 1 चम्मच देसी घी हम इस पैन में डाल देते हैं। हम पूजा के लिए बना रहे हैं इसीलिए हम देसी घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, जो भी ऑयल आप पसंद करते हैं। अब घी को हम गर्म होने देते हैं। घी गर्म हो गया है। अब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा डाल देते, 1 चुटकी हींग, ये हमने 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है वो डाल देते जिसे हमने लंबे लंबे पीसों में काट लिया है, 2 से 3 हरी मिर्च इसे भी हमने लंबे पीस में काट लिया है। अब दोनों चीजों को हल्का सा भून लेते। अब ये दोनों चीजें भून गई हैं। अब जो हमने मसाला बनाया था वो हम मसाला इसके अंदर डाल देते। अब मसाले को भी स्लो फ्लेम पे भून लेते हैं जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ने लगे। अब मसाले ने भी ऑयल छोड़ दिया है। अब जो हमने चने बॉईल किए थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। हमने इसका पानी नहीं निकाला है, पानी के साथ डाल देते हैं क्योंकि पानी वेस्ट जाएगा। और चने को मसाले में मिक्स कर लेते। अब फुल फ्लेम पर जब तक पानी नहीं सूख जाता हम चनों को पका लेते। अब ये चने खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगे उसके लिए 1 टीस्पून हमने ये कसूरी मेथी लिए, इसे हम हाथ से क्रश करके डालेंगे। इसे चनों में फ्लेवर अच्छा आता है और चने खाने में भी टेस्टी लगते हैं। अब ये चने और भी ज्यादा खाने में टेस्टी लगे उसके लिए 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर काला नमक डाल देते हैं। हमने सफेद नमक का भी इस्तेमाल किया, उसको ध्यान में रखते हुए आप काले नमक का यूज करें। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते। अब जो चनों के अंदर पानी था वो भी खत्म हो गया है और मसालों की कोटिंग चने के ऊपर कितनी बढ़िया हुई है। अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून गर्म मसाला डाल देते, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, आप इसकी जगह 1 नींबू का रस डाल सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया। अब सभी चीजों को मिक्स कर देते। आप देख पा रहे कितने बढ़िया चटपटे और मसालेदार चने बनके तैयार हुए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हम हलवे को सर्व कर लेते। आप देख पा रहे कितना बढ़िया दानेदार और जूसी हलवा बनके तैयार हुआ है। आप भी इसे बनाइए और माता का भोग लगाइए, फिर मुझे बताइए कि आपको ये हलवा कैसा लगा। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। ड्राई फ्रूट में हमने ये पिस्ते लिए वो डाल देते, थोड़े से बादाम। अब चनों को भी सर्व कर लेते। आप देख पा रहे कितने बढ़िया मसालेदार चटपटे चने बनके तैयार हुए हैं। मैंने आपको जिस तरीके से दोनों चीज बनानी बताई है, अगर आप उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी अदरक डाल देते, थोड़ा सा हरा धनिया। देखिए कितने बढ़िया चने हलवे बनके तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी रेसिपी के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।